इंटरनेशनल रिचार्ज। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इंटरनेशनल रिचार्ज करना अपने इंडिया से आपको बाहर की कंट्री में इंटरनेशनल रिचार्ज करना, तो आप सही वीडियो पर हैं। आपको इस वीडियो में सारी चीजें पता हो जाएगी आपको इंटरनेशनल रिचार्ज कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी जाके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो शुरू करने के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों आपको चले जाना अपने गूगल सर्च बार पे। गूगल सर्च बार पे जाने के बाद दोस्तों आपको वहां पे इंटर करनी है recharge.com, जो कि मैंने पहले से इंटर करके रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च कर लेनी है। जैसे मैंने सर्च में यहाँ पे क्लिक किया तो आपको देख सकते हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह ओपन होके आ जाएगा, जो कि आपको ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों थ्री लाइन सबसे कॉर्नर पे जहाँ पे हाईलाइट हो रही है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करनी है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह पेज देखने को मिल जाएगा, साइन इन रजिस्टर। तो दोस्तों ये रजिस्टर पेज हमारा ओपन होकर आ चुका। चलो दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों योर ईमेल, तो दोस्तों यहाँ पे ईमेल इंटर कर लेनी है और एक पासवर्ड चूज कर लेनी है, जो कि फिर से नीचे कन्फर्म पासवर्ड सेम पासवर्ड आपको इंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको क्रिएट पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्रिएट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसमें से बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। फिर से लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपने ईमेल और पासवर्ड इंटर किया था वो यहाँ पे आके इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप रिमेंबर भी कर सकते हैं पासवर्ड, या नहीं चाहते हैं तो रिमेंबर ही मत करना। जैसे यहाँ पे टिक लगाएंगे रिमेंबर हो जाएगा, अगर नहीं चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन होने के बाद दोस्तों आपसे बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें से ऊपर जो आपको दिख रहा होगा रिसिपिएंट कंट्री, मतलब दोस्तों आप कहाँ पे रिचार्ज उस कंट्री का दोस्तों यहाँ पे नाम इंटर करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मुझे इसमें से कोई सा भी एक चूज कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने मलेशिया कंट्री सेलेक्ट कर लिया। मलेशिया कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे स्टार्ट रिचार्ज पे आपको क्लिक करनी है। जो मैंने क्लिक कर लिया, जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दोस्तों डीजी मैक्सिस टूनेटॉक यू मोबाइल सेलोकॉम। तो दोस्तों ये मलेशिया में जो कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी है, जैसे हमारा ही में आप रिचार्ज कर रहे हो, कौन सा सिम में रिचार्ज कर रहे हो, डीजी का है या मैक्सिस का है। जैसे मैंने यू मोबाइल में करना है रिचार्ज, तो मैंने यू मोबाइल पे क्लिक करूंगा। यू मोबाइल पे क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट रिचार्ज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको सर्च मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको कितना रिचार्ज करनी है वो पेज को ओपन होकर तरह पेज ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। इसमें से आपको इसमें से कोई सा भी एक ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे ऑर्डर पे दोस्तों आप क्लिक करोगे दोस्तों आपको एक पेमेंट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप पेमेंट करने की आपको सारी वे मिल जाएगी। जैसे पेपल या कुछ भी आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, बैंक, नेट बैंकिंग, सारी चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएगा। जिसे आपको पेमेंट करनी है पेमेंट आप कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका रिचार्ज कुछ ही मिनट में आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में आप रिचार्ज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।